राका राका सरदार बोल लाखन। लाखन ये बताने आया है कि जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ। बसंती जिंदा है। क्या बसंती जिंदा है? मेरे भाई लाखन, क्या का द्वारा बोला? बसंती जिंदा है मेरे भाई, बसंती जिंदा है। जिंदा है? मुझे उसके पास ले चल लाखन। मुझे मैं उसके पास तुझे नहीं ले चल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अभी खबरी से पता लगा है कि बसंती जिस पुलिस वाले के पास है उसने उसे कैद कर रखा है। क्या? एक और पुलिस वाला? अरे ना जाने कितने पुलिस वालों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। एक वो इंस्पेक्टर था जिसने मुझे जेल में बंद कराया, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। लगता है ये भी पुलिस ऑफिसर सरदार, ये भी मेरे हाथ से मारा जाएगा। नहीं राका, नहीं, हम उसको नहीं मार सकते, क्योंकि उस पुलिस वाले के बारे में तू नहीं जानता। उसने पता नहीं कितने डाकुओं को मौत के घाट उतारा है, और वो मुझे लगता है हम ही को मारने के लिए उसकी ये सबसे बड़ी साजिश है। हम ही को पकड़ने के लिए उसने बसंती को कैद किया है। जो भी काम करना है राका, ठंडे दिमाग के साथ कर। राका, अगर ये बात सच है कि बसंती जिंदा है तो जल्दी से जल्दी इस अड्डे पे आएगी। लाखन, तू तो जानता है सरदार तो न जाने कब तक का इंतजार करेंगे कि बसंती अड्डे पे आएगी, लेकिन मेरे भाई तू मुझे बसंती के पास ले चल, क्योंकि मैं बसंती के बगैर नहीं जी पाऊंगा। चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करता है? तेरा दोस्त अभी तेरे लिए जिंदा है और बसंती तेरी होकर रहेगी, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़े। लाखन चल, बसंती की आजादी लेके आते हैं। तू मेरा सच्चा साथी है, चल मेरे भाई। बसंती, कोई है? बसंती? अरे बसंती, आप लोग कौन है? बसंती कौन? तुम जिंदा हो? ए छी, बदतमीज, और तुम लोग हो कौन जो मेरे घर में घुसा है? और तुझे तमीज नहीं, इस तरीके से चिपका जा रहा है जैसे तेरी कोई माशुका हो? बसंती तुम पागल हो गई हो? हम तुम्हारे बचपन के साथी हैं, हम तुम्हारे साथ खेले बड़े हुए, और तुम भूल गई कि तुम एक डाकू हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? बसंती, मैं बकवास कर रहा हूँ? इसे मेरी बातें बकवास लग रही है। छोड़ो मुझे, और कौन हो तुम लोग? निकल जाओ मेरे घर से। बसंती, अरे मैं राका। भाभी भाभी भाभी, ये लोग कौन है? पता नहीं सीमा, मतलब बसंती, ये क्या कर रहे हो? मेरे भाभी के हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? ये तुम्हारी भाभी नहीं, ये हमारी बसंती है। अरे चुप, क्या बकवास किया जा रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं, बकवास तो तुम कर रही हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये हमारे साथ बचपन से पली बड़ी, और इसने हमारे साथ बहुत सारी डकैतियां भी की। बसंती तुझे तो कैंसर था, लेकिन ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई बसंती वसंती नहीं है। अरे ये बसंती है, ये बसंती है। अरे छोड़ो मेरा, छोड़ो। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? मतलब इतनी आसानी से तू नहीं जाएगी, मैं जानता हूँ। अब देख कि हम चाहते हैं, देख मैं हम तेरे साथ नहीं चाहते, हम तेरे साथ बदसलूकी करें, लेकिन बसंती तू हमें मजबूर कर रही है। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। अगर उसे मेरे पति को पता चल गया ना तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं वो। किसी की बीवी नहीं, तू हमारे साथ खेल। अरे तेरा सरदार इंतजार कर रहे हैं तेरा, चलना। अरे निकल जा मेरे घर से। क्या बकवास किए जा रहे हो? हम लोग निकल जा। कोई बसंती नहीं, राधा नाम है। समझ गया बसंती, समझ गया। तूने ये शान और शौकत इस दौलत के नशे में तू हमें छोड़ के आई है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक थप्पड़ तेरे और पड़ना चाहिए। मतलब तू नहीं जाएगी? लाखन, लगता है ये हमें मजबूर कर रही है। मजबूर तो ये कर ही रही है। बसंती, मैं आखिरी बार कहता हूँ, हमारे साथ चल। तू चल हमारे साथ, वरना मुझे, हमने तो तुझे मरो में मान ही लिया, चाहे अब तुझे मारना ही पड़े। पीछे हट लड़की, पीछे हट लड़की, पीछे मेरे भाभी का, छोड़ दो, हाथ छोड़। सीमा, चल हमारे साथ। सीमा, भाभी, सीमा, चल रहा है। छोड़ दे मुझे, सीमा, चल। देख बसंती, देख ये हमारा अड्डा, देख बचपन में मैं और तू दोनों साथ ही खेलते थे, याद कर, कुछ तो याद कर। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? मैं कोई बसंती बसंती नहीं हूँ। बसंती नहीं है तू?
तो ये याद है जब हम आखिरी बार लूट पर जा रहे थे तो मैंने तुझसे लूट पर जाने के लिए मना किया था कि बसंती हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुझे कैंसर था और इस बात की केवल मुझे और सरदार को पता थी, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी और आज तू ये कहती है कि तू बसंती नहीं है। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो, मैं कोई बसंती नहीं हूँ, मैं कौन सी लूट पे गई थी? अरे भूल गई वो दिन जब हम बहन भाइयों की तरह खेलते थे, तूने मेरे राखी बांधी थी, उस राखी को तो याद रख। अरे मेरा तो कोई भाई नहीं था। भैया मैं वही तो कह रही हूँ, मैं बसंती नहीं हूँ, मेरा नाम राधा है। और क्या, तेरा नाम राधा है? कहीं ऐसा तो नहीं बसंती, ये दौलत और घरबार और पैसे की चकाचौंध देखकर तूने अपना मन बदल लिया? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम सही बात कर रहे हैं, तू डर चुकी है, तू डर गई है पुलिस वालों से, तू डर गई है क्योंकि तू अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या सोचती है कि तू बच जाएगी? नहीं बसंती, तूने तो अपने आप को उस पुलिस वाले की बीवी बनाकर अपने आप को बचा लिया, तू क्या चाहती है कि तू बच जाए और हम कुत्ते की मौत मारे जाए? नहीं बसंती, ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि तू हमारे साथ ही बड़ी हुई थी और हमारे साथ ही रहेगी। अगर तू डाकू थी तो डाकू ही रहेगी। और बसंती, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और के भी नहीं होने दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। क्या? और एक शादीशुदा औरत को उसके घर पे से उठा के ला दियो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? छोड़ लाखन, अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो तुम लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। तो पुलिस ऑफिसर की बीवी हो या किसी और की, लेकिन तू बसंती है। अरे मैं बसंती नहीं हूँ। ये सही कह रही है लड़की। क्या सरदार, तुम भी? हाँ ये लड़की सही बोल रही है, इसे जाने दो। और हम जिस सेठ के यहाँ लूट करने गए थे ना, वहां दो जुड़मा बच्चियां थी, दो जुड़मा। क्या? जिसको एक हम उठा लाए थे, एक वहीं रह गई थी। मतलब ये हमारी बसंती नहीं है? बसंती नहीं है ये। नहीं सरदार, तुम झूठ कह रहे हो। मैं झूठ नहीं बसंती कह रहा, ये मेरी बसंती है। बसंती, ये तेरे सर पर पागलपन चढ़ चुका है तेरे सर पर। मेरी बहन, तुझे सिर्फ बसंती के अलावा कुछ नहीं दिखता। बसंती 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 कह चुका हूँ, बसंती नहीं है ये। बाबा मेरी मेरी बहन कहाँ है? बाबा बहन, इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये तुम्हारी बहन को उठाकर लाए थे तो उस समय तुम दो जुड़वा बहनें थी, और जुड़वा बहनें थी तो एक बहन को ये उठा लाए और एक तुम वहीं रह गई, और तुम्हारी जो बहन थी ना वो हमारे साथ ही रहती थी, वो हमारे साथ पली बड़ी, हमारे साथ डाकू बनी। पर हाँ, उसे साथ में एक बीमारी ने घेर लिया, कैंसर। कैंसर? लाखन तू भी सरदार की बातों में आ गया। अरे मैं तुम दोनों से कह चुका हूँ ये मेरी बसंती है। अरे तू ये पागलपन छोड़, तू क्यों, तेरे दिमाग में क्यों ये सब सही नहीं बैठ पा रहा है? पागल हो चुका है, ये बसंती नहीं है। बस लाखन और सरदार तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बसंती है, ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं है। और मैं, तू अपने सरदार की बात क्यों नहीं मान रहा? इसे मैं हासिल करके रहूंगा। हासिल? बहन, भैया मेरी बहन कहाँ है? भैया तुम्हारी बहन को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी बहन का तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि वो जब आखिरी बार हमारे साथ लूट पर गई थी उसके बाद से वो हमारे अड्डे पर नहीं लौटी। लेकिन बहन, ये तेरा भाई तुझसे वादा करता है कि जैसे तुझे लेके आया था उसी तरीके से बाइज्जत तुझे तेरे साथ घर छोड़ कर आएगा। हाँ बहन, बहन मेरी सरल बस यहाँ ही तक थी, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। बहन मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मैंने तुमसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी बहन बसंती की बहन निकलोगी। कोई बात नहीं भैया, जाने अनजाने में गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। और तुमने मुझे इज्जत से मेरे घर छोड़ा, बस इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए हो सकती है। लेकिन अफसोस है तो सिर्फ एक बात का, जब मेरी एक और बहन है तो वो कहाँ है? वो अब तक मुझसे दूर क्यों रही? बहन तू चिंता मत कर,
मैं तेरी बहन को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो, लेकिन अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। ठीक है बहन, ख्याल रखना अपना। विजय, सीमा, कौन? भाभी, तुम? विजय, भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? क्या? हाँ, तुम कौन हो? तुमने मुझे, मैं तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी के ये साड़ी, ये सारी चीजें पहनकर अपने आप को मेरी बीवी कह रही हो? साफ साफ बताओ कौन है। मुझे तो लगता है कोई साजिश है, क्योंकि सीमा, जब राधा राधा की डेथ हुई है, वो अजीब सा ड्रेस पहनी हुई थी। हाँ, और ये साड़ी उसी की है? ये साड़ी तो हमारी भाभी की है। तुम जानती हो कौन हूँ मैं? इस शहर का ऑफिसर हूँ मैं, और तुम मुझे धोखा दे रही हो? ये तुम लोग, हमारी भाभी खत्म हो चुकी है, तुम हमारी भाभी कहाँ से आ गई? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें नहीं कर रहे, अभी कल ही अपनी बीवी का अंतिम संस्कार किया मैंने, और तुम कह रही हो कि कैसी बातें कर रहे हो? अंतिम संस्कार? विजय, ये कैसी बातें कर रहे हो? सीमा, तुम दूर रहो मुझसे। देखो, अरे मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। विजय, कैसी बातें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें कुछ पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, लेकिन हमारी हंसी मत उड़ाओ। अरे ये कैसी बात? एक तो हम पहले से गम में इतने टूटे हुए हैं, ऊपर से संभालो अपने आप को। मैं सच में तुम्हारी बीवी हूँ विजय, मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सीमा, भाभी तो हमें छोड़ जा चुकी है। नाम याद करने से तुम्हें पहचान, और ये कपड़े पहनने से, ये मंगलसूत्र पहनने से, ये सब चीज करने से, इसका नाम सीमा है, मेरा नाम विजय। मुझे तो लगता है कि बड़ी साजिश है। हाँ भैया, हमारे मुझे भी ऐसा ही लगता है। साफ साफ बताओ क्या हुआ था मेरी राधा को, और तुम कौन हो? भैया, कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के ने हमारी भाभी को मार दिया हो? हाँ भैया। सीमा, कैसी बात कर रही हो? मैं ही तुम्हारी भाभी हूँ। अरे नहीं, अरे तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरी बीवी मर चुकी है, मर चुकी है। कल ही उसके अंतिम संस्कार करके आ रहे हम, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी बीवी हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ ही दिनों पहले तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अरे जब वो रवि खत्म हो गया तो कितनी शॉक में थी सीमा तुम। भैया ये क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भैया रवि, वाह, सारी चीज पता लगा ली कि रवि शॉक में था। देखो, अब जो भी हो, आप जानती हो एक कानून के मुलाजिम से ऐसी बात कर रही हो, और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अरे सीमा, मुझे कुछ गुंडे उठा के ले गए थे। कहीं भैया, क्या भूल गई? तुम्हारे सामने ही तो उठा के ले गए थे। ऐसा तो नहीं? सीमा, तुमने मुझे बताया कि गुंडे उठा के ले गए थे। हाँ। और गुंडों के बाद जब अचानक वहां पर गया, उसके बाद राधा को जब मैंने आकर इस घर में देखा, तो राधा कपड़े चेंज करी हुई थी। हाँ, और ये साड़ी पहन के गई थी वो, और वो आकर देखा तो अचानक मर के। हाँ, मैं जानता हूँ, इसका मतलब है बहुत बड़ी साजिश हो रही है, सारी चीजें इस लड़की को पट्टी पढ़ाई जा रही है। हाँ भैया, ये तो हर सिचुएशन बोली गई। रवि, मैं ही राधा हूँ, मुझे गुंडे उठा के ले गए थे, और बसंती समझ वो के बात तो मैं भी जानता हूँ। सीमा ने मुझे सब बता दिया कि तुम्हें गुंडे उठा के ले गए, डाकू उठा के ले गए थे। तो फिर डाकू उठा के ले गए थे तो वो कौन थी? वो मेरी बहन थी। वो मेरी बहन थी अंजलि। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुम्हारी बहन थी और तुम हमारी भाभी हो? और उन गुंडों ने उसका नाम बसंती रख दिया। वाह, कमाल है, धोखा तुम हमें अच्छी तरह देना आई हो। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी बात यकीन कर लेंगे हम? तुम ये सब सीमा के बेस में, मुझे तो इन लोगों की चाल लग रही है डाकुओं की। कहीं ऐसा तो नहीं डाकुओं ने इसे हमारी भाभी बना के भेजा हो? मैं तुम्हें सारी हमारी जासूसी करने के लिए तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ बताओ, सुन रहे। हम अपने बाप की जुड़वा औलाद थी, उसमें से एक मैं राधा
और मेरी बहन अंजलि, ये कहानियां फिल्मों में चलती हैं, यहाँ नहीं। पहले सुन तो लो मेरी बात। उसमें से एक मेरी बहन को उठा के ले गए वो गुंडे, वो डाकू। इसका कहने का मसला ये है कि इसकी दो बहन थी। बस मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लाला दीनानाथ की सिर्फ एक ही बेटी थी और वो राधा थी, हमारी राधा। हाँ भैया। जो इस दुनिया में नहीं है। देखो इससे पहले कुछ हो जाए मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। चली जाओ यहाँ से निकल के। विजय मेरी बात का यकीन करो। देखो अरे मैंने तुम्हारे साथ सात फेरे लिए, मेरे बाप ने खुद तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई थी। विजय तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विजय विजय तुम मेरी बात का भरोसा करो। विजय मैं ही तुम्हारी बीबी हूँ। विजय तुमने सुना नहीं, निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। सीमा ये लड़की, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्ल मेरी बीवी से जरूर मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम दोनों को धोखा देने आ गई। देखो मैं कोई धोखा नहीं दे रही। जिस लड़की की, जिस बीवी की तुम बात कर रहे हो वो मेरी बहन थी। वो तुम्हारी बहन थी, वही तो कह रहा हूँ इतनी देर से। वो तुम्हारी बहन हो या ना हो, मेरी सिर्फ एक ही बीवी थी और वो थी राधा। और तुम राधा के भेष में न जाने उन डाकुओं की कौन सी नजर। राधा मैं हूँ, वो तो अंजलि थी मेरी बहन। गेट आउट, निकल जाओ उस घर से। भैया देखा सीमा, मुझे तुम डाकुओं की कोई चाल लगती है। तू फिक्र मत कर, उनकी हर चाल को मैं नाकाम कर दूंगा। अरे बहन, तुम दोबारा यहाँ पर क्यों? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आया था। घर छोड़ के जरूर आए थे लेकिन उसी घर से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। क्या? आज तुम लोगों की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। मेरा पति और मेरी ननद मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। वो तो मुझे अपनी बीवी मान ही नहीं रहे। बहन तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ इसलिए आना पड़ा बसंती की वजह से। बसंती की वजह से? मतलब? क्योंकि बसंती मर चुकी है। क्या? हाँ बसंती मर चुकी है। और इसी चक्कर में मेरे पति मुझे बीवी मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि बसंती का अंतिम संस्कार मेरे पति ने ही किया था। और उसको अपनी पत्नी समझते हैं, मुझे कोई बहरूपिया। तू चिंता मत कर, जो तेरे साथ अन्याय हुआ है ना, उस अन्याय के लिए हम तेरे पति से बात करेंगे। गलत तो भैया मैं भी उन्हें नहीं ठहरा सकती क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रही ये सब। मैं जानती हूँ उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी पूरी सच्चाई उन्हें पता नहीं है। अगर मैं उन्हें सच्चाई बताऊं भी तो वो मेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं कर रहे अभी। तू चिंता मत कर बहन, मैं तेरे लिए तेरे पति से बात करूंगा, तू चिंता मत कर। बसंती तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगी क्योंकि मेरी बसंती मेरे बगैर रह नहीं पाएगी। चलो चलते हैं अड्डे पर। राघव बंद कर ये नाटक, बंद कर ये नाटक। तेरा बहुत हो चुका, मैं फिर भी आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, ये हमारी बसंती नहीं है, ये हमारी बसंती नहीं है। अरे ये बसंती है, ये बसंती, ये मेरी बसंती है। मुझे लगता है क्या तुझे खुशी नहीं है कि बसंती हमारे साथ आ गई है? मुझे ऐसा ही लगता है, तुझे खुशी नहीं है लाखन। बसंती मर चुकी है राका, बसंती मर चुकी है क्योंकि बसंती की चिता को आग लगाने वाले जो शख्स है वो इस लड़की के पति है। अगर बसंती मर चुकी है तो ये कौन है? ये उसकी जुड़वा बहन है। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। मानना पड़ेगा राका, मानना पड़ेगा क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। राका समझने की कोशिश कर। सुन ये कोई भी हो लेकिन ये मेरी बसंती है और इसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। इसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि मैं बसंती से बहुत प्यार करता हूँ।
बसंती से प्यार तो जरूर करता होगा, लेकिन एक बात मेरी भी अपने कानों में डाल ले, मैंने इसे अपनी बहन बनाया है, और मगर मेरी बहन पर और क्योंकि आँच आई तो मेरे रास्ते में भी जो आएगा मैं उसका खून करने में कतराऊंगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। राका, अच्छा अपने भाई को मारेगा तू है? अरे तुझे खुशी नहीं है तेरे भाई का प्यार उसके पास आ गया? अरे बंद कर ये नाटक, क्योंकि तू पागल हो चुका है बसंती के लिए और तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहन तुम मेरे साथ चलो, आओ अंदर। लाखन ले तो जा रहा है तू इसे, लेकिन इस बसंती को मैं हासिल किए बगैर नहीं मानूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, बसंती मेरी है और मेरी बन के रहेगी। आओ बहन, बहन तुम्हारे पति से मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहां रुको और आराम करो, और जिस भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने इस भाई को जरूर बताना, ठीक है? जाओ। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अपनी बसंती के पास। बसंती के पास? हाँ, अपनी बसंती के पास, उससे मिलने के लिए। और आज कितने महीनों बाद वो वापस आई है, आज मैं जी भरकर अपनी बसंती को प्यार करूंगा। प्यार करेगा? हाँ। मेरी बहन के बारे में इतना सा भी कुछ उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं राका भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है, और क्योंकि अगर मेरी बहन के ऊपर इतनी सी भी आँच आई तो राका याद रखना कि ये तेरी आखिरी गलती होगी। क्या? अरे तू लाखन, अपनी बहन तूने उसको धर्म की बहन बना के और उसके प्यार में अंधा होकर आज मुझसे लड़ रहा है तू कुछ भी मान उसे, लेकिन वो मेरी बसंती है, और मैं अपनी बसंती को आसानी से नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुद्दत व बात आज मेरी बसंती मेरे सामने है। चुप कर अपनी बकवास, क्योंकि बसंती वो बसंती नहीं है, वो तो एक बेचारी मजबूरी की मारी है जिसको उसके पति ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है, और मैं अपनी बहन के साथ इतनी सी भी बदसलूकी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उसको जैसे यहाँ तक लाया था उसकी वजह से, मेरी वजह से उसके घर का संसार उजड़ा है, और उस संसार को बसाना मेरा कर्तव्य है, और जो मेरे कर्तव्य के आड़े आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। जितनी जल्दी तू अपने दिमाग में ये बात बैठा ले उतना ही अच्छा है राका तेरे लिए। तू कुछ भी बोल, लेकिन मेरे लिए मेरे मरते दम तक बसंती मेरी है, और अगर तू बोल रहा है ना वो तेरी मेरी बसंती नहीं है तो सुन, ये रहा तेरे भाई का सीना, तुझे छल्ली कर दे और ले जा, और मेरे जीते जी मेरी बसंती मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा राका। बुरा हो जाएगा? सुन, आज तो तू उसकी ढाल बन के खड़ा हुआ है, जाता हूँ, लेकिन बसंती सिर्फ मेरी है। और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया, लाखन समझो वो मर गया। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन को कौन छूकर देखेगा। अगर मेरी बहन के आड़े भी कोई आया तो समझ लो उसकी वो जिंदगी की आखिरी गलती होगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने दोस्त को भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे पति। बसंती, क्या हो रहा है तेरे साथ? अरे तेरे साथ वही तो हो रहा है जो भगवान को मंजूर है। अरे तू हाथ हो गई अपने राका के पास, और सुन, छोड़ो मुझे। क्या सुन बसंती, तू जानती है मैं बचपन से तुझे प्यार करता हूँ, और मेरे प्यार को तू ऐसे ठुकरा नहीं सकती। चल भैया, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और के बनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। चल
रामजादे तेरी ये मजाल कि तूने इसे पकड़ा। छोड़ इसे, मेरे बीच में से हट जा लाखन, वरना मैं तेरे घर छोड़ इसे, मैं तेरे घर छोड़ इसे। लाका ये तूने अच्छा नहीं किया, मतलब साले कुत्ते तू अपनी जात पे उतर आया, तूने मेरी बहन से हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? इसके लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया? मैं तुझसे कहा था मेरे आड़े मत आ कुत्ते। राम जादे, राम जादे मेरी बहन की मान जा लाखन, वरना मैं तो जिंदा। आप उसमें लड़ मर जाओगे क्या? क्या हट बता ना तो है? ये क्या हो रहा है ये सब? सरदार इससे कह दो बसंती मेरी है। कुत्ते अपने मुंह से नाम मत ले मेरी बहन का, नाम मत ले। सरदार इस नपुंसक को समझा दो कि वो बसंती नहीं है। अरे आपस में मत लड़ो मरो, होगी बसंती, उसके पीछे पड़ गए हो। ये नपुंसक उसकी इज्जत लूटना चाहता है, क्या मैं किसी अबला नारी की इज्जत लूटवा दूं? नहीं होने दूंगा। इज्जत लूट रहा था उसकी? नहीं होने दूंगा। सरदार तुम्हें पता है मैं बचपन से बसंती को पसंद करता हूँ, और ये कल तक तो ये डाकू था, आज उसका धर्म का भाई बन गया ये हरामजादा। आज उसके लिए इसने मुझ पे हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ा तेरे ऊपर हाथ क्योंकि पसंद राका तू मोहब्बत करता है, मोहब्बत में अजमत नहीं लूटते, किसी की इज्जत नहीं लूटते। और सुन, कभी सरदार ने ऐसा कभी सोचा है? सोचा ही नहीं। बसंती ने मेरी राखी बांधी थी, और राखी चाहे वो बसंती हो या ना हो, अब वो मेरी बहन है। चलो बहन, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। देख राका, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, इसे जाने दे, इसे जाने दे, इसकी जिंदगी बहुत है अभी, इसे जाने दे। तू सही कह रहा है लाखन, इसकी तो जिंदगी मेरे साथ बहुत है, बहुत है, लेकिन तेरी नहीं। और आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। भैया, भैया क्या हुआ भैया? राम साधे भैया, और तू चल मेरे साथ। भैया बहन, 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 मेरे पास समय कम है, मुझे लगता है मुझे उसके घर जाना चाहिए। साहब, साहब कौन? साहब, अरे कौन? साहब कौन? अरे एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ? साहब, हाँ बता। साहब मुझे गोली लगी। गोली लगी है? और लेकिन तुम्हें गोली किसने मारी? तुम हो कौन? राका, राका, राका ने। और राका ने? लेकिन तुम कौन हो? मैं डाकू हूँ साहब। डाकू? और आपकी बीवी उसके कैद में। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बीवी तो मर चुकी है। नहीं साहब, मरी मरी नहीं है साहब, आपकी बीवी। तुम होश में हो? उस राका की कैद में है, और साहब रवि को भी उसी ने मारा है। सीमा। जी भैया। सीमा मेरी गन लेकर आओ। लाती हूँ। सीमा। भैया ये कौन है? सीमा ये डाकू है। सीमा हमारी राधा जिंदा है। क्या भैया? हाँ सच में राधा जिंदा है, क्योंकि हम जिसे समझ रहे थे कोई और बेरूपी लड़की, वो हमारी राधा है, और जो इस घर पे मरी है। लेकिन आपको किसने डाकू बताया भैया? इसने मरते मरते बताया, और मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। राधा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि राका तेरी भाभी को उठा के ले गया है। हाँ भैया देर ना हो जाए, आप जल्दी जाओ, कहीं वो लोग मेरे भाभी को कुछ कर ना दे। तू बेफिक्र रहे, उसने रवि को मारा है। क्या भैया?
आज मैं उसकी सांसों को छील लूंगा। उस दरिंदे को छोड़ना मत भैया, मैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर आऊंगा। चल विजय, विजय तुम आ गए। विजय। हाँ राधा, मैं आ गया। राधा, हमने सात फेरे में सात वचन लिए थे कि तुम्हारी हर वक्त रक्षा करूंगा। और हरामजादे राका, तूने रवि को मारकर बहुत बुरा किया, बस शराफत से मेरी बीवी को छोड़ दे। नहीं, ये तेरी राधा नहीं, ये मेरी बसंती है। अंधा हो चुका है तू, अंधा हो चुका है अपनी इस नफरत की आग में। भूल गया, रवि ने तुझे 2 साल की सजा दिलाई थी। मैं तो कहता हूं अगर उसकी जगह मैं होता ना, तुझे ऑन द स्पॉट ठोकता। साले, शराफत से मेरी बीवी को छोड़ दे। लगता है ऑफिसर, तेरी भी मौत रवि की तरह मेरे हाथों से होनी है। राधा, मुझे माफ कर दो। राधा, मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राधा, मैं तुम्हारे गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। राधा, कोई बात नहीं, क्या हुआ, लेकिन कम से कम तुमने मुझे पहचान तो लिया कि हाँ मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, पता नहीं मेरे विजय को क्या हो गया। कोई मेरे विजय को मुझसे दूर करने के लिए ये सब तो नहीं करवा रहा। राधा, ये बात सच है कि मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन आज लाखन ने मुझे आकर बताया। मैं तो ये सोचता कि सारे डाकू एक से ही होते हैं, उनके दिल में कोई रहम नाम की चीज़ नहीं होती, हमदर्दी नहीं होती है, कमीने होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लाखन जैसे भी डाकू इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। लाखन कहाँ है? उसने मुझे बहन कहा था। राधा, लाखन इस दुनिया में नहीं है। क्या? उसके गोली लगी थी और उसने आकर तुरंत मुझे बताया कि वो राधा को उठा के ले गया राका। लेकिन भगवान ने एक जैसे तैसे तो एक भाई दिया था और वो भी छीन लिया। मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, उसका अंतिम संस्कार होगा। हाँ, चले।